गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 8. राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. 42 का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे? 90 माइनस 42, तो 90 में से 42 गए तो आप क्या हो गया? 48. इसी तरह 74, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 74 इज 90 माइनस 74, तो ये हो गया 16. नेक्स्ट, 1/3 ऑफ ए राइट एंगल. अब इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो सबसे पहले आप 1/3 ऑफ राइट एंगल निकाल लीजिए. 1/3 ऑफ राइट एंगल आपको पता है 90 का होता है, तो ये कट गया आपका 30 डिग्री. तो अब आप लिखेंगे यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30. अब आप किसका निकालेंगे? 30 का. तो 30 का आप कैसे निकालेंगे? 90 माइनस 30 इजिकल टू 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. अब आपको 48 का निकालना है. अब आपको सप्लीमेंट ही निकालना है. सो सप्लीमेंट ऑफ 48, तो आप 48 के लिए क्या करेंगे? 48, अब सप्लीमेंट में आपको पता है 180 में से क्या सबट्रैक्ट करेंगे आप? 48. तो करा तो ये हो गया 132 डिग्री. नेक्स्ट इज 115, तो सप्लीमेंट ऑफ 115 इज इक्वल टू 180 माइनस 115. तो आप सब टैक्स करेंगे तो ये आपको देगा 65. अब नेक्स्ट देखिए, आपको निकालना है सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ ए राइट एंगल. तो सबसे पहले हम 3/5 ऑफ राइट एंगल निकाल लें, तो 3/5 इंटू 90. अब आप ये काटेगा 5 × 5 = 18, तो ये हो गया आपका 54. तो अब आप यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 54 इज 180 माइनस 54. तो 10 में से 4 गया आपका 6, 7 से में से 2, 1, तो ये हो जाएगा आपका 126. नेक्स्ट, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो. ये किस तरह से करेंगे आप? लेट द मेजर ऑफ एंगल इज एक्स डिग्री. अब ये जो है विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कितने में से सबट्रैक्ट करना है? 90 माइनस एक्स. अब आपको कंडीशन दे रखी है कि ये एंगल जो है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है? 90 माइनस एक्स. अब ये एक्स माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90/2. 2 ने इसको काटा तो कितना आ गया ये? 45 डिग्री. और यदि ये सप्लीमेंट्री होता तो आप 180 कर देते. तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे करना है और सप्लीमेंट्री में किस तरह करना है. नेक्स्ट इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले लेट द मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल भी एक्स. अब आपको पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस एक्स. अब उसने कहा है
कि ये एंगल जो है इक्वल है कितना, 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो x इज इक्वल टू क्या है, 90 माइनस x से 14 मोर है, तो मोर के लिए आप हमेशा प्लस साइन लगाएंगे। अब x इज इक्वल टू 19 एंड 14 हो गए आपके 104 माइनस x। अब आप x को उधर ले जाओगे तो ये आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 104, तो x इज इक्वल टू हो गया 104 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और उस तरह की कंडीशंस आपको करनी है। नेक्स्ट है वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, वन हाफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यस, वन हाफ इज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले लेट द मेजर ऑफ एंगल एक्स डिग्री, तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री कितना होगा, 90 माइनस एक्स। अब कंडीशन आपको दी है वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स जो है हाफ होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स। तो अब ये देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब आप यहाँ कर रही हूँ मैं, ये x इधर माइनस के तो इधर आके आएगा 3x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, तो आंसर इज 30 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, आप इसको पढ़िए कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट जो आपको दे रखा है उस हिसाब से आप करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक लास्ट और देखिएगा आप, वन फिफ्थ ऑफ इट्स सप्लीमेंट, इस पर लेट द मेजर ऑफ एंगल एक्स डिग्री। तो अब आप पहले इसका सप्लीमेंट निकाल लीजिए, सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री। अब सप्लीमेंट है तो आप सप्लीमेंट में क्या करेंगे, सप्लीमेंट में 180 माइनस एक्स डिग्री। अब उसने कंडीशन दी है कि जो एंगल्स है वो वन फिफ्थ ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो एक्स इक्वल है वन फिफ्थ ऑफ सप्लीमेंट एंगल्स के, तो ये आपके इक्वेशंस ये बन गए। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 1/5 इंटू 180 माइनस 1/5 एक्स, ये आपने काटा 36 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, देखिए 36 डिग्री हो गया, अब x x वालों को आपको एक साइड में ले जाना है, यस x x वालों को आपको एक साइड में ले जाना है। तो आपने x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 36। अब यहाँ आप एलसीएम लेंगे 5, तो ये हो गया आपका 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, तो ये हो गया 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 36 इंटू 5 अपॉन 6, 6 से 6 कट आपका, तो इसने आपको दे दिया है 6 से 6 कटा, तो ये आपको दे दिया 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उस तरह वन फिफ्थ ऑफ इस सप्लीमेंट, तो आप विद केयरफुली कीजिएगा। और इसके जो बाकी लेफ्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के, वो आपको किस में करने हैं, होमवर्क में। कुछ नहीं, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको क्या कंडीशन दी हुई है।
अगर 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा, हाफ है तो 1/2, ठीक है, 3/4। इस तो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इसका ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। थैंक यू।